हम मतलब लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। और इस बात से देश भर के नई समाज में आहत हुआ है। समाज ने निर्णय लिया है कि जो मोदी जी जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, जिसने विकेश सिंह को विधायक बनाया है, ऐसे समाज चरण दास महेंद्र का ना दाढ़ी बनाएंगे ना कटिंग बनाएंगे। हमको समझ नहीं आता, उसी लाइन पे ये चरण दास महेंद्र जी ने कहा कि भूपेश बघेल जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री जी के सिर पर लाठी मारेंगे, उनके मूड़ी को फोड़ देंगे। कहते हैं एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते थे तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते थे। बाकी मन सिधवा साध हुए और ये देवेन भी खड़े हो सकते थे। सीयू लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके थे। हम मतलब लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फिट हस एक बार तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इत के प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, नई समाज की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक हूं मैं नई समाज से, और मोदी जी के विषय पे जिस प्रकार से व्यक्तिगत टिप्पणी चरणदास महेंद्र जी ने की है, मैं उन्हें बड़ा नेता मानता था छत्तीसगढ़ का। उन्होंने कहा कि मोदी जी के मूड़ी पे यानी सर पे जो है लाठी मार के उसको उनको चीन भगाना है, ये कैसा बयान है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा कि आपको मारना है, आपको मारना है, यानी आप हत्या करना चाहते हैं मोदी जी की। और इस बात से देश भर के नई समाज में आहत हुआ है। समाज ने निर्णय लिया है कि जो मोदी जी जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, जिसने विकेश सिंह को विधायक बनाया है, ऐसे समाज चरण दास महेंद्र का ना दाढ़ी बनाएंगे ना कटिंग बनाएंगे ना किसी प्रकार का कोई नई समाज उनकी सेवा करेगा। और ये अगर वो जल्द से जल्द माफी मांगे इस पूरे बयान को लेके, नहीं तो उनके परिवार के साथ भी यही हश्र होगा। बिल्कुल उनके परिवार का, उनकी उनके घर की महिला भी किसी महिला ब्यूटी पार्लर में नहीं जा पाएगी। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? कांग्रेस की सांसद ने कहा है कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और ये बात वो आए बाएं करके नहीं बोली है, सीधी साधी होने के कारण सच्ची बोल गई है। और उन्होंने कहा कि मैं पाक साफ हूँ। अब अभी उनके पति चरणदास महंत विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो गए राजनांदगांव में भाषण देने, आते हैं रात में चुपचाप 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 सबको मिलके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कितना काम किए हैं आप यहाँ पर। कंबल ओढ़ कर घी पीना कोई सीखे तो वो इनके पति चरणदास महंत जी से सीखे। लेकिन इन्होंने जाकर राजनांदगांव में कहा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने हम बहनों की चिंता किया, हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों की चिंता की, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने की चिंता करी, 10 साल में जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, ये बार बार वो प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम राहुल गांधी करते हैं। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अरे टूटा ही कब था जब जोड़ने निकलते हैं। हमको समझ नहीं आता, उसी लाइन पे ये चरण दास महेंद्र जी ने कहा कि भूपेश बघेल जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री जी के सिर पर लाठी मारेंगे, उनके मूड़ी को फोड़ देंगे। कहते हैं ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसा आक्षेप करने वाले चरणदास महेंद्र जी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको गुजरना पड़ेगा। हम सब लोगों के हजारों करोड़ों कार्यकर्ता नहीं, 150 करोड़, 140 करोड़ जनता उनके सामने खड़ी है, और जनता इसका जवाब उनको जरूर देगी। चरणदास महंत में ये ताकत नहीं है, और ऐसा कहने वाले इनके
बुद्धि और विवेक का दीवाला निकल गया है। कांग्रेस के नेता अपनी हार से बौखला गए हैं। उनको दिखाई देता है कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से वो हार रहे हैं। ये हार की बौखलाहट जबान पर है और कांग्रेस के नेता की ये हार की बौखलाहट इस बात का घोतक है कि छत्तीसगढ़ में हम सभी सीटें जीत रहे हैं।